गांव में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जिले के 3 ब्लॉकों के 15 ग्राम प्रधानों की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि गांव की समस्याओं का समाधान ग्राम प्रधानों के द्वारा किया जाएगा, जिससे किसी गांव में किसी प्रकार की समस्या न रहे। मंडलायुक्त ने गाँव में ही शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गाँव में ही कैंप लगाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामवासी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों का चक्कर न लगाएं, उनकी समस्याओं का समाधान उनके गांव पर ही किया जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त ने 15 ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित किया और श्रमिकों के कल्याणार्थ शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास में प्रधान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्राम प्रधान शासकीय योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए ग्रामीणों को उससे लाभान्वित कराएं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गांव को विकसित करें। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीरा, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। जो भी छूट गया है उनको बुला लिया जाए, उनको मदद किया जाए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं। एक गाँव में प्रॉब्लम बार बार आ रही है, वो है वरासत को लेकर के। जब तक कुछ पैसा आदमी खर्च नहीं करेगा, वरासत नहीं होता है करके ये आम जनमानस में ये वो बन चुका है। उसको विवाद जहाँ पे है नहीं है वारिसान में, जिसको खतौनी में ना माना चाहिए, ठीक है, उनका छूट गया है तो नहीं हो पा रही है उसके लिए। दूसरा आय प्रमाण पत्र अब नहीं होना चाहिए। तीसरा जाति प्रमाण पत्र किसी को जरूरत है, कोई आवेदन कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, किसी को स्कूल में एडमिशन होना चाहते हैं या कॉलेज में एडमिशन होना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। अलग अलग डेट में कैंप लगवाएंगे। आप प्रधान हैं, आप उस गाँव के मुखिया हैं, ठीक है, आप बताते जाइए कि आपको जहाँ जरूरी है, जब आप कहेंगे हम लगाएंगे, आप कहते हैं नहीं जब हमारे गाँव में तंदुरुस्त है तो हम नहीं लगाएंगे। वालों को क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास शिकायत यही आता है, ग्राम विकास अधिकारी या लेखपाल गांव में पहुंचता नहीं है, जिसके वजह से विकास की कामों में बाधा बन रही है। तो ऐसा चीजों को तोड़ने के लिए ही ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं।